राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर दमखम के साथ सभी दल जुटे हुए हैं। क्या रणनीतियां हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी जुटी हुई है, कांग्रेस जुटी हुई है, और जो दूसरे दल हैं, चाहे भारत आदिवासी पार्टी हो, चाहे RLP हो, या फिर जो दल हैं लगातार जुटे हुए हैं, क्योंकि 7 सीटें ऐसी सीटें हैं जिनमें 5 तो जो सांसद बन गए और 2 विधायक जिनका निधन हो चुका है। मेवाड़ वागड़ की सीटें हैं, दौसा की सीटें हों, या फिर उस क्षेत्र की सीटें हों, हनुमान बेनीवाल वाली सीट हो। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुनीश अरोड़ा सर हैं। सर, जिस तरह से 7 सीटें हैं, किस नज़रिए से देखते हैं उन 7 सीटों को? सबसे पहले 7 सीटों पे से बीजेपी के पास सिर्फ एक ही सीट है, बाकी सीट पे 4 पे तो कांग्रेस है, एक पे BSP और एक पे BAP है, और एक हिमसर उसमें है। तो जो उपचुनाव होंगे इसमें सारे ही दल अपनी अपनी ताकत लगाने की कोशिश करेंगे, मगर बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी करना है उसको गेन करना, और जो भजनलाल सरकार का जो 1 साल भी पूरा होने वाला है, तो ये जो स्थिति है, भजनलाल को अपने आप को प्रूव करने के लिए 7 सीटों पर चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी हो गया है। जहाँ तक रही 84 की और सलूम्बर के बाद अमृतलाल मीणा की डेथ की वजह से खाली हुई थी सलूम्बर की सीट, और 84 से BAP के राजकुमार रोत के जो लोकसभा में चले जाने से सीट खाली हुई। आदिवासी क्षेत्र में BAP ने अपनी पकड़ बनाई और उसकी जो रणनीति है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। BAP लगातार जो यूथ है उसके बीच में बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है और उनके जो भावनाएं हैं उनको कैश करने की कोशिश कर रही है। हनुमान बेनीवाल की सीट खींसर की बात करें तो वहाँ भी हनुमान बेनीवाल के लिए भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने आप को रख कर देखा, फिर अब क्योंकि वो सांसद हो गए तो वहाँ पे चेंज हो, पोजीशन चेंज हुई है, मगर वो भी चाहेंगे कि हरारत में उनकी सीट कायम रहे। दौसा में मुरली लाल मीणा कांग्रेस के हैं, वो भी चाहेंगे कि वो निकालें, मगर किरोड़ी मीणा जो स्थिति खराब किए हुए हैं बीजेपी के अंदर, ना तो वो मंत्री पद छोड़ रहे हैं, उन्होंने तो हालांकि इस्तीफा दे दिया मगर पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसलिए वो दूधारी तलवार पे खड़े हुए हैं कि वो एज ए मंत्री वहाँ माने जाएंगे या एज ए विधायक माने जाएंगे या बीजेपी के वर्कर नहीं रहे, इस तरह से लोग देखना शुरू कर रहे हैं। तो ये स्थिति दौसा में बीजेपी के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, और वहाँ पे जो लोग हैं वो इस तरह से जुड़ेंगे नहीं कि नहीं जुड़ेंगे। इसके अलावा झुंझुनू की सीट है विजेंद्र ओला के सांसद बन जाने से, वहाँ भी कांग्रेस के लिए स्थिति थोड़ी सी अधिक, मगर कांग्रेस वहाँ पर रिटेन करना चाहेगी, क्योंकि जो कांग्रेस है वो जितनी भी सीटें हैं उसके पास 3-4 सीटें, उसके ऊपर वो ये चाहेगी कि वो अपने को रिटेन करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्थिति इस समय स्टिग्मा पर कांग्रेस की लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस हर हालत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए दमखम लगाएगी। अब इसका प्रभाव क्या होगा ये क्या देखना होगा, क्योंकि हरियाणा के चुनाव के जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, या कश्मीर के अंदर जो हालात बन रहे हैं, वो भी स्थिति बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। तो ये जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं या जो स्थितियां बनने वाली हैं, वो सारी स्थितियां बीजेपी के लिए एक चुनौती बनी हुई हैं, क्योंकि बीजेपी को अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि लोकसभा में 240 सीट आने के बाद जो स्थिति देश में उसके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनाए हुए है, तो वो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको दूर करने के लिए उसे हर चुनाव अब जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद इसका इम्पैक्ट महाराष्ट्र पे पड़ना है, यूपी पे पड़ना है, झारखंड पे, और जगह जहाँ भी चुनाव होने हैं वहाँ पड़ना है। तो मेरा ये मानना है कि जो 7 सीटें राजस्थान में उपचुनाव में जा रही हैं, उसमें से बीजेपी को और भजनलाल सरकार को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो एक्टिवली हैं, काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सरकार पसंद कर रही है। तो उनके पास हालांकि खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मगर अमृतलाल मीणा की जो सीट है वहाँ पे भी BAP अपना असर छोड़ रही है और कांग्रेस भी है, तो वो ट्रायंगल फाइट में फंसने की उम्मीद है, क्योंकि रघुवीर मीणा का क्षेत्र है वो सलूम्बर, और रघुवीर मीणा कभी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ से, अब क्योंकि अमृतलाल मीणा नहीं है तो जो उनकी स्थिति चुनाव में हुई वो वापस उनके लिए रिटेन करने का एक अच्छा मौका है, तो वो भी अपना पूरा दमखम लगाएंगे, क्योंकि रघुवीर मीणा की जो राजनीतिक कैरियर है उसके लिए सलूम्बर की ये सीट जीतना बहुत ज़्यादा आवश्यक किया गया है, और इस पूरे क्षेत्र में जो कांग्रेस है आदिवासी बेल्ट में,
कांग्रेस अपने आप को रिटेट करने के लिए बहुत कोशिश कर रही है, मगर बाप और बीजेपी की जो स्थिति है उसके सामने वो काफ़ी पिछड़ी हुई सी नज़र आ रही है। मगर क्योंकि रघुवीर मीणा का खुद का क्षेत्र है, उन्होंने जिला बनवाया था लुम्बर को, तो जो जिला बनवाया था उसके बाद वो चाहेंगे कि उसका लाभ वहाँ की जनता को मिले और जनता उसके बदले में उनको अपना विधायक बनाए। अब जहाँ तक बात है 84 की, तो 84 में राजकुमार रोत पकड़ बनाए हुए हैं, पूरे आदिवासी क्षेत्र में पकड़ बनाए हुए हैं, यूथ में उनकी पकड़ है, और जो जवाहर को लेकर के जो बात चल रही है उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा आदिवासी क्षेत्रों में उनके प्रति एक बढ़त की पोजीशन बनी हुई है। मगर जिस तरह से मन्ना लाल रावत ने भिलिस्तान के चैप्टर को किताबों से हटाने के लिए जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, और जिस तरह से आदिवासी हिंदू है या नहीं ये बात को लेकर के बात हो रही है, इसके अलावा जो यूथ का जो डेवलपमेंट है उस पर भी राजकुमार फोकस कर रहे हैं, तो जहाँ तक मेरा ये मानना कि राजकुमार रोत जिस रणनीति पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने और जगह भी इस बात को कहा है और बार बार मैं कह रहा हूँ कि राजकुमार की रणनीति का तोड़ ना तो बीजेपी के पास है ना कांग्रेस के पास है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो आने वाले 7 उपचुनाव हैं ये राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा असर डालेंगे राजनीतिक रूप से, और जो हालात बन रहे हैं उसमें भजन लाल के लिए अपने आप को एज ए मुख्यमंत्री के रूप में प्रूव करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। अगर वो ये चुनाव नहीं जीत सके तो कम से कम 2-3 सीटें तो उनको निकालनी पड़ेंगी, देखें आगे क्या होता है ये तो जनता। जिस तरह से 84 हो गया गठबंधन की, उधर की बात हो या फिर बेनीवाल से गठबंधन की बात हो, क्योंकि जो राजकुमार होते हैं वो तो कई बार साफ कर चुके हैं कि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव पहले भी लड़े हैं, और हनुमान बेनीवाल जो भी निर्दलीय का प्रचार करते हुए देखे गए हैं हरियाणा में, तो लगता है क्या कि उस क्षेत्र में कांग्रेस का गठबंधन होगा, वो इस तरह से गठबंधन कर पाएंगे? देखिए कांग्रेस का जो कुछ भी है वो पूरे नेशनल लेवल पर गठबंधन के आधार पर, इंडिया गठबंधन के ऊपर चल रहा है, तो जहाँ तक 84 की बात है या चाहे जहाँ तक हनुमान बेनीवाल की बात है, और एक सीट BSP की भी है, इसमें मैं कहना भूल गया था, हनुमान बेनीवाल क्योंकि लोकसभा में भी अपने आप को कुछ ना कुछ प्रूव करना चाहेंगे, तो हो सकता है कि वो गठबंधन की तरफ अपने आप को बढ़ाएं। 84 में कांग्रेस के साथ राजकुमार रोत ने पिछली बार जो हालात किए थे और जो सपोर्ट किया था, तो क्या वो कांग्रेस के साथ रहेंगे या इंडिविजुअल रहेंगे वो देखने की बात है। वो तो कह चुके हैं कई बार कि हमने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा, अभी भी कहते आ रहे हैं कि हम 95% स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, हमको गठबंधन की जरूरत नहीं है। और बेनीवाल जो लगातार हरियाणा में अभी प्रचार करते हुए देखे गए, जो कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा है उन पर लगातार तंज कसते जा रहे हैं, कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, और जो स्थितियाँ देखने को मिली क्योंकि निर्दलीयों का प्रचार कर रहे हैं, जो हरियाणा में प्रचार किया न बीजेपी का किया और न कांग्रेस का किया, निर्दलीयों का प्रचार किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यही चीज़ तो मैं बोला कि हनुमान बेनीवाल लगातार प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की 240 सीट की स्थिति है, वहाँ उनके लिए एक एक सीट इम्पॉर्टेंट है, चाहे बाप की सीट हो चाहे हनुमान बेनीवाल की हो। अब ये डिपेंड करता है कि बीजेपी किस रास्ते पे चलती है। जैसे भी आज आपने एक पढ़ा होगा कि जो भीलवाड़ा में कोठारी हैं विधायक हैं जीते और वो जो भारतीय जनता पार्टी में आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक उनको लिया नहीं गया, हालाँकि वो तो अपने लेवल पर सदस्य बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान में कोशिश कर रहे हैं, तो ये स्थितियां तो बन रही हैं। लोग खुले रूप से आना भी चाह रहे हैं और अपना अस्तित्व भी कायम रखना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये पता है कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने भी गठबंधन किया उसके बाद वहाँ की स्थिति में उनके दल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो बीजेपी के साथ जाने में तो कोई गुरेज नहीं करना चाहता, क्योंकि गुलगुले तो सबको खाने हैं, जलेबियाँ सबको खानी है सत्ता की, मगर अपना अस्तित्व भी तो मेंटेन करना है, तो जो अपना अस्तित्व जहाँ मेंटेन करने की बात आती है वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनका सर्वाइवल ही नहीं होगा तो फिर आगे उनकी राजनीति कैसे चलेगी। क्या वो ये भरोसा कर सकते हैं कि बीजेपी परमानेंट उनको सपोर्ट करेगी या उनके साथ उनको कोई अच्छा जिस तरह की वो डिमांड कर रहे हैं वो देगी? अगर उनको मंत्री पद दे देती है दोनों को, चाहे बाप को दे दे चाहे और उधर बेनीवाल को दे दे, तो किसी को मेरे ख्याल से कोई, मगर भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक मजबूरी है
कि वहाँ भी एक लिमिटेड संख्या में ही मंत्री बनाए जा सकते हैं ना, तो जो हालात है ना वो एक बड़े पेचीदा पोजीशन पैदा कर रहे हैं। और ऐसी पेचीदा पोजीशन में ये जो स्थितियाँ जो बता रहे हैं आप वो कायम रहेंगी, जिसमें आप खुले रूप से ये नहीं कह सकेंगे कि ये पार्टी के साथ जाएंगे निर्दलीय या बाप जाएगी या इसके अपने हनुमान बेनीवाल की पार्टी जाएगी। तो आने वाला समय इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजेपी की रणनीति क्या रहती है। बीजेपी की रणनीति पर इनकी रणनीति डिपेंड करती है। जहाँ तक राजकुमार रोध की बात है, अगर बीजेपी से ही करना होता तो फिर वहाँ वो क्यों करते हैं, महेंद्र मालवीय को क्यों हराते हैं? हराया है ना, महेंद्र मालवीय की स्थिति दोनों तरफ से खराब हुई, कांग्रेस छोड़ के विधायक ही गई और संसदीय शिप मिली नहीं, तो आज वो तो न घर के रहे न घाट के रहे। तो ये जो स्थितियां हैं, हर आदमी को ये जो राजनीति में काम कर रहा है वो दूध के जले हुए हैं, वो छाछ भी फूंक फूंक कर पियेंगे, तो इसलिए ये स्थितियां तो कायम रहेंगी। और अभी एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, सुधांशु त्रिवेदी जब आए थे, आप भी थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या ये लोकसभा का चुनाव सेमीफाइनल है? ये आपको ध्यान होगा तो सुधांशु त्रिवेदी ने ये कहा था कि ये चुनाव जो लोकसभा के हैं, जो हो चुके हैं 2024 के, वो सेमीफाइनल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए सेमीफाइनल 2029 का चुनाव होगा। जिस तरह से राहुल गांधी देश भर में घूम रहे हैं, जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, जिस तरह सत्ता को लेकर के बराबर टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को, तो जो सुधांशु त्रिवेदी एक दूरदृष्टि अपनाते हुए जो बात कह के गए, उसका बहुत बड़ा असर है और वो यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, जिनकी जो स्थितियाँ देखने को मिल रही है, जो तो ये कहीं इस चुनाव में कहीं ना कहीं वो नुकसान करेगी। प्रेमचंद बेरवा की स्थिति को लेकर के कांग्रेस ने हिंट तो दे दिया था, जिसको लेकर किरोड़ी मीणा ने लिया नाम, और फिर बाद में तो मदन राठौड़ ने भी कहा नहीं कोई भी नहीं है, और किरोड़ी ने भी कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो किरोड़ी लाल मीणा है ना, वो एक दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मैंने बात पहले भी कही थी और अब फिर कहता हूँ कि नंबर दो की जो लड़ाई है, जब किरोड़ी के सामने जो इतने उम्रदराज नेता हैं, इतने जुझारू नेता हैं, इतनी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं जनता के हित के लिए लड़ चुके, उनको जो मंत्री पद दिया गया, भले वो कहें मैं उससे नाखुश नहीं हूँ, मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं पार्टी के लिए कर रहा हूँ, मगर मन की जो टीस है ना, वो मन की टीस कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। और वो चीज़ जो स्थिति है वो प्रेमचंद बैरवा के लिए एक अच्छी स्थिति कायम नहीं कर रही है। एक पूरा इंटरव्यू हमने पूरा किस पे किया था प्रेमचंद बैरवा के लड़के को लेकर के लिए, और उसके बाद जो कांग्रेस की नेता ने रशियन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जो बात कही और हिंट देने की कोशिश की, उसको लेकर पेपर्स में भी खूब आ चुका है कि बेरवा को लेकर के नाम जोड़ा गया और उसको लेकर के बात हुई। तो बेरवा के लिए राजनीतिक रूप से चुनौतियां तो खड़ी हुई हुई हैं, पार्टी के भीतर में भी जो स्थिति है उनकी दांव पर लगी हुई है। अब कांग्रेस किस तरह से आगे का स्टेप लेती है, क्या कांग्रेस के पास वो वीडियोस हैं या खाली हवा में बात है? अगर वीडियो होते तो अभी तक डिक्लेयर क्यों नहीं किया, या वो उपचुनाव का इंतज़ार कर रही है कि उपचुनाव आए तब हम इस तरह की चीज़ को कर एक माहौल। तो इसमें सारे समीकरण राजनीतिक पेच भी जुड़े हुए हैं, और प्रेमचंद बेरवा को लेकर के आपने जो बात की है तो उनके सामने राजनीतिक चुनौती तो खड़ी की है सब लोगों ने मिलकर। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुनीश अरोड़ा सर, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के साथ सरगर्मियां जोरों पर है, लगातार बयानबाजी, पक्ष और विपक्ष के जो कटाक्ष हैं वह कटाक्ष कहीं ना कहीं इस बार इस चुनाव में देखने को मिलेंगे। और इस बार चुनाव जो उपचुनाव है 7 सीटों का, वह बड़ा रोचक रहने वाला। TV9 के लिए राजेश टांगी।